राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 10 से 14 मई 2022 के बीच आगामी आम चुनावों के लिए राज्य में विभिन्न 208 नगर परिषदों और 8 नगर पंचायतों के ड्राफ्ट प्रभाग ढांचे पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2022 को निर्देश दिया है कि 10 मार्च 2022 से स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। इसी के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई शुरू की है। वाड़ी नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉ. विजय देशमुख ने नगर परिषद कार्यालय में आम नागरिकों के जानकारी के लिए प्रभाग का प्रारूप बोर्ड पर लगाया गया। जिनको सुझाव और आपत्ति जतानी है वह लोग 10 से 14 मई तक नगर परिषद कार्यालय वाड़ी में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपत्ति सुझाव नहीं सुने जाएंगे, यह जानकारी मुख्याधिकारी डॉ. विजय देशमुख ने दी। 7 जून को प्रभाग का अंतिम प्रारूप प्रसिद्ध किया जाएगा। जैसे ही प्रभाग रचना की घोषणा हुई वैसे ही वाड़ी के राजनीतिक दल के नेता सक्रिय हुए। प्रभाग का प्रारूप कैसे किया गया इस पर सभी का ध्यान लगा है। सर्व नागरिकांना नगर परिषद प्रशासन द्वारे सूचित करण्यात येते की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल लीव पिटिशन क्रमांक 19756/2021 मधील दिनांक 4/5/2022 च्या आदेशास अनुसरून राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 10/3/2022 रोजी सुरू असलेल्या टप्प्यापासून निवडणुकीची कार्यवाही त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश दिलेले आहे। त्यानुसार नगर परिषदद्वारे जी प्रारूप प्रभाग रचना तयार केलेली आहे आणि नकाशा तयार केलेले आहे, या नकाशांवर नागरिकांना त्यांना बघण्यासाठी तसेच त्याच्यावर आक्षेप आणि हरकती घेण्यासाठी जो कार्यक्रम तयार केला जाईल त्यानुसार नागरिकांना सूचना हरकती या दिनांक 10/5/2022 म्हणजेच मंगळवार रोजी ते दिनांक 14/5/2022 शनिवारपर्यंत या दिवशी त्यांना हरकती सूचना इथे घेता येतील आणि याकरता इथे आवक जावक विभागामध्ये त्या हरकती सूचना स्वीकारण्याची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। तरी सर्व नागरिकांना मी विनंती करतो की त्यांनी या प्रारूप प्रभाग रचनेवर ज्या काही सूचना हरकती आपल्याला द्यायच्या असल्यास नगर परिषदेच्या आवक जावक विभागामध्ये द्यावी। विनंती, धन्यवाद। CNBC News के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।